आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्ज़ाम देकर आप अच्छे से नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी जुट गए होंगे और जिन साथियों के अच्छे नंबर हैं वो आगे की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। मैं इस कट ऑफ को इतना लेट लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई डाटा ही नहीं था। लगभग लगभग मुझे एक हफ्ते का समय लग गया, 4 से 6 दिन का समय लग गया स्टूडेंट से कन्फर्म कराने में कि आपका कितना स्कोर है, कितना स्कोर है। और लगभग लगभग वहाँ पे 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स के, मान के चलिए 5 हज़ार का ही डाटा आप ठीक मान के चलिए, कुछ ने तो वैसे भी दे दिया होगा, आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर उनके डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपसे कट ऑफ की बात करता हूँ, 5 हज़ार स्टूडेंट्स का डाटा बहुत बड़ा होता है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं और भी डाटा इकट्ठा करूंगा और आपके लिए मैं कट ऑफ और भी बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें भी क्या आगे हो सकती है या कम हो सकती है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब भी कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना और सही सही स्कोर सभी बताएंगे। मुझे उम्मीद है मेरे सभी साथी बिल्कुल ठीक ठीक स्कोर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर मेरे भाई किसी के कम मार्क्स है तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम पे लग जाना। मैं आपको बिल्कुल 100% सटीक कट ऑफ समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप सभी लाइक कर देना और इस परिवार को सभी सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई आपके लिए बिल्कुल 100% सटीक जानकारी लाने की कोशिश करता है, ना कि कुछ भी आया और आपके लिए लेकर आ गया। तब तक कोई प्रूफ नहीं होता, तब तक मैं उचित नहीं समझता किसी भी वीडियो को आपके लिए लेकर आऊं। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं कि कम अंक वाले, मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि आगे की तैयारी में आप जुट जाइए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं मिलते, एक बार समय निकल गया तो आप किसी एग्जाम के नहीं रहेंगे। मैं आपको बस हमेशा यही समझाने की कोशिश करता हूँ सभी को कि आप कोई भी किसी वहम में या किसी भ्रम में गलती से भी ना रहे। तो दोस्तों, आप सभी अपना स्कोर जरूर बताना। और अगर हम बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर 2023 की कट ऑफ आपकी क्या गई थी, जर्नल हो, EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, ये जो आपकी 2023 की कट ऑफ गई थी। और दोस्तों, सब कुछ कुछ मैं भी देख रहा था, कुछ यूट्यूबर्स का ये कहना है कि कट ऑफ इस बार बहुत आगे जाएगी। मुझे नहीं लगता दोस्तों, जो भी डाटा मिला है, हो सकता है उनको लाखों की संख्या में डाटा मिला हो सकता है उनको वैसे ही कोई आइडिया हो या ऐसे ही बता रहे हो, लेकिन जो मुझे डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो जर्नल की 4 से 5 नंबर कम जाने के चांस दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे नहीं पता कि भाई कारण क्या है, लेकिन पिछली बार से 4-5 नंबर कम जाने चाहेंगे। और नॉर्मेशन में बहुत साथियों के साथ पता नहीं कैसा खेल होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मेशन की आड़ में मैं बार बार सभी से कहता हूँ कि हाँ, इसकी आड़ में बहुत बड़ी धांधली आपको देखने को मिलती है और बार बार इस चीज़ को आप अनदेखा कर देते हैं कि नॉर्मेशन की आड़ में धांधली नहीं हुई। मैं बार बार सभी छात्रों से कहता हूँ कि नॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत बड़ी सफ़ेद धांधली का एक फॉर्मूला है। इस चीज़ को आप समझिए या मत समझिए, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आंखें भी जरूर खुलेंगी। दोस्तों, अगर हम देखें EWS में भी सेम यही कहानी रहने वाली है। अगर हम बात करें OBC में भी बिल्कुल सेम। SC और ST में दोस्तों, मुझे इस बार जो है SC और ST में, ST में 2 से 3 नंबर की गुंजाइश देखने को मिली पिछली बार से कम, और SC में तो 6 से 7 नंबर कम जाने के चांस दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं भी क्या है, मेरे पास जो डाटा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अच्छे से और जगह भी आप कट ऑफ देख रहे होंगे, आप कमेंट करके अपने मार्क्स बताइए, बाकी आप नंबर भेजिए, मैं 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर यही सब कुछ रहा तो ये समझिए कि इससे इर्द गिर्द इसके कट ऑफ रहेगी, कोई चांस नहीं होंगे इधर उधर, अगर आप सही डाटा देंगे सभी। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं तो आगे की मेहनत दिल से करिए। अगर आप दूर दूर तक नहीं है, किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर देना और इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।